चलो अब शाम को मिलते हैं, तुम्हारे स्कूल की बस आ गई। इथे इथे बघतो थांबा, इकडे 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 पण दिसत नाही म्हटलं। 207 नंबरचा मीटर दिसत नाही इथे। काय म्हणता, काय मीटर तो सांगा। शेवटी आहे 57-46। 57-46 57-46 दिसत नाही, दिसत। हा बघा बघा, हा बघा 57-46। हा बघा इथे, तू जरा वरती सांगून ये, आपण मीटर डिस्कनेक्ट करू। भैया आपका हो गया आयरन, शर्ट रेडी है। आपके साथ लड़कियां हैं और बहुत ही युवा लड़कियां हैं, आप बताइए कि कौन सी प्रतिक्रिया आ रही है इनकी इस खबर के बाद। हाँ हे आलिया बगा मैडम, जामुनी प्रसाद है सर, वो पापा तो क्लिनिक के लिए निकल गए। आपका लाइन डिस्कनेक्ट करना है, आपले पेमेंट नाही झाले वेळेवर। लेकिन बिल तो पेमेंट हो गया, वो भैया गए थे। महीने से पेंडिंग है, अभी अपना भैया कहाँ जाके पेमेंट करता है वो उसे पूछिए। ठीक है, नहीं वो एक्चुअली मैं भूल गई, पापा नीचे ही गए, वो एटीएम से पैसा निकाल ले, आज ही हो जाएगा, आप लाइन मत करो। सब ठीक है, देखो आज का आज पेमेंट करो, वरना कल बिना बताए काट के जाएगा। अमर प्रसाद। अमर प्रसाद या अमर कुमार प्रसाद? अमर कुमार प्रसाद। हाँ सरनेम भूल गए। या दोघांच्या मागच्या एका वर्षाच्या बँक डिटेल्स व्हेरीफाय झालेले आहेत, यांच्या आधार नंबर वरती लोन मिळणं शक्य नाही। हो गया। देखो भाई ऐसा है कि आपको लोन मिलना मुश्किल है। हा? क्या इस आधार नंबर पे तो बहुत मुश्किल है। अरे कल तक तो मिल रहा था लोन, आज हम लोन लेने ही आए थे, अभी अचानक नहीं मिलेगा। देखो यार भाई साहब, ये बात तो गलत है ना, आप पिछले 8-10 दिन से मैं दौड़ा रहे हो। सर दौड़ता तो घोड़ा भी है। क्या? ए भाई घोड़े बिल्ले की बात मत कर इधर, मेरे को बता तू लोन अकाउंट में आएगा या कैश में दोगे ये बता दो मुझे। हाँ। लोन नहीं मिल पाएगा सर, सॉरी। नहीं मिल पाएगा? अरे ऐसे कैसे नहीं मिल पाएगा? अरे अभी कहा ना नहीं मिल सकता, ऐसे रैंडमली हम सबको लोन नहीं दे सकते, आप समझिए। हम रैंडम है, मैं रैंडम हूँ, मैं रैंडम देखता हूँ तेरे को। अरे देखिए देखिए देखिए, आप 6 महीने बाद ट्राई कीजिए, मैं दिलवाऊंगा आपको लोन। लंड तेरा 6 महीने बाद दिलाएगा तू। अरे ए बाबा ए तोंडाला जरा आवर, काय बोलतो काय तुम्ही, अरे जरा समजाओ जबान पे लगाम देने। अरे चुप कर बेंचो, तू पकाया हुआ है। कर रहा हूं एक तो। ए चुप कर टोंडावर टोंडावर साले, तू पकाया हुआ है हमको, आज बोला था ना तू लोन देगा। हां बेंचो चूती है हम, तेरा लोन तो बाप भी देगा। बाप पे कैसे गया तू? हां कैसे गया तू बाप पे? बाप मां खानदान पे जाऊंगा तेरे कालू। अच्छा नहीं मिलेगा लोन? रुको ना यार बाबा, बाबा सुन, बाबा वो डेयरी फार्म वाला आईडी कहाँ से ढापे? ऐसे ही रैंडम आ गया बोल दी। नहीं मतलब रेस्टोरेंट बोल देते, दवाई खाना बोल देते, क्या यार बाबा कहाँ दोनों भाई दुबई में सेटल होने का सपना देख रहे थे, भैंचोद कालू से पिट के आ गए। अरे बाबा तुम बीच में आ गए, तुम आते नहीं ना तो बाल नोच लेता मैं, जिंदगी भर यूं 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 नहीं कर पाता। बाबा रिलैक्स एंड चिलैक्स। अच्छा सुनो, मेरे ना एक दूर के मौसा जी हैं, उनके ना सलून की ओपनिंग है, वहाँ चलते हैं, फ्री में नाश्ता वास्ता पेल के आते हैं, और साथ में ना फेशियल भी करा लेंगे फ्री में, चले। हाँ जरा आप खोलिए बेटा। जी ये जो जकड़ होती है ना, ये ज्वाइंट में नहीं दिमाग में होती है। जी हाँ, अगर दिमाग में आपने बिठा लिया कि आर्थराइटिस है तो बस बैठ गया दिमाग में। सर मैं भी इन्हें यही समझाता हूँ। अच्छा लेकिन ये समझते नहीं है। कहाँ समझते? क्यों भाई बच्चा समझाता है समझ में नहीं आता है, ये सब ये दिमागी फितूर है, इन्हें घुमाने ले जाया करिए। ले जाते हो? नहीं सर अभी कुछ समय से तो नहीं ले जा पा रहे हैं। क्यों भाई क्यों नहीं ले जा रहे? थोड़ा सर बिजी ऐसा हो गए थे। क्या बिजी हो गए थे? कहाँ बिजी हो गए थे? बस सर भागा दौड़ी ज्यादा हो गई थी। भागा दौड़ी? अरे सर ऐसा नहीं सर, पारिवारिक लड़का। पोता बिगड़ रहा है नीलकंठ जी। जरा संभालिए से, ये जो दवा लिख रहा हूँ जी, ये है एक सुबह एक दोपहर एक शाम को, ये लो ये जगत को दे दो जी।
वो दवा दे देगा। फीस भी मैं? हाँ उसी को। अच्छा अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करो और दो हफ्ते बाद आना फिर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते जी। नीलकंठ जी, हाँ संभालिए अपने आप को जी, थोड़ा एक्सरसाइज किया करिए। सर अब लेके जाऊंगा मैं। आपका पोता ना ले जाए तो खुद चल लिया करिए सुबह सुबह। नमस्ते नमस्ते दामोदर जी, आइए। हाल चाल जामुन बाबू? एकदम बढ़िया, आइए बैठिए। माफ करिए आज वॉक पे नहीं आ पाया मैं। हाँ मैं तो वेट ही करता रहा। अच्छा सुनिए, ये अशोक जी को आपसे मिलवाना था, ये मीडिएटर हैं। आपको याद है चेतना बिटिया के लिए मैंने आपसे फोटो मांगे थे कुछ महीने पहले जी। इन्हीं को देना, लड़का आंध्रा बैंक में मैनेजर है ना? हाँ मैनेजर है, त्रिची त्रिची में पोस्टेड है, त्रिची। अरे दामोदर बाबू ऐसा वैसा दामाद मत दिलवा दीजिए, लड़की आंखों के सामने रहे तो अच्छा है। अब ये केरला फेरला कहाँ भेजूंगा अपनी लड़की? इनका एक लड़का भी है, उसके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है, उसका भी कुछ करिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप डिटेल देख रखिए, यही तो रोजी रोटी है हमारी। अरे अशोक बाबू पहले लड़की तो निपट जाए। डॉक्टर साहब हम मल्टीटास्किंग। अच्छा आप जरा पहले फोटो देख लीजिए, ये देखिए। अशोक बाबू लड़का तो जच नहीं रहा। शिकणार आहोत CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ये कहाँ पे यूज होता है? व्हेन पर्सन कोलैप्सेस और वो बेहोश है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्ही कन्फ्यूज आहात, मग अशा वेळी काय करायचं? CPR, गो फॉर CPR। इसमें क्या होता है, आप पहले देखो पेशेंट को, देखो कि पेशेंट ब्रीदिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और उसकी ब्रीदिंग हल्की हल्की चल रही है। कब से धूप में इंतजार करवा रही है? हाँ क्लास लेट खत्म हुआ, क्या कर रहे हो? रुक जाओ ना, आ रही हूँ। चल रहा है? हाँ चल रहा है, आ रही हूँ। सॉरी। नहीं। इतना हड़बड़ा क्यों रही है? अरे हड़बड़ा नहीं रही हूँ, अमित आ गया ना तो मुझे लगा मैं निकल जाती हूँ। सुन नाजू चल रही है? प्लीज बहुत मजा आएगा। अरे नो डियर, मैं कहाँ कबाब में हड्डी बनूंगी। वैसे भी मुझे बिजली का बिल भरने जाना है आज, लाइट काटने आए थे। वापस से? वो भैया बिल नहीं भरे। ओह खैर, कहीं ड्रॉप कर दो। नो नो वो वेट कर रहा है, यू गो। श्योर डियर, श्योर। बाय बाय बाय, सी यू। बाबा यार तुम भी करा लो यार, फेस पैक है शाहनवाज का, आज फ्री में है। बाबा अभी कराओ क्या? अरे यार मौसा जी आपके इंतजार में फेस पैक सूख गया मेरा। अरे कैसे हो बेटा? दिल खुश हो गया यार, मजा आ गया। मस्त सुन खुला आपने, रिन्यू कराया? हाँ बेटा। और मौसा जी वो जो मोबाइल रिचार्ज का बिजनेस था उसका क्या हुआ? उसमें भांजे को बिठा दिया। तो रिन्यू के लिए लोन लिया? हम जैसे लोगों को लोन कौन देता है। तो यार मौसा जी फिर रिन्यू के लिए पैसा? जो आदमी लूला होता है ना, हाँ? जिसका एक हाथ नहीं होता है, हुँ? वो कैसे काम करता है? अब एक हाथ टूटा है तो दूसरा चलता ही होगा। और जो एक आंख का काना होता है तो दूसरी आंख से देखेगा। बेटा ये आदमी का शरीर है ना बहुत कीमती होता है, हाँ? समझे? तू टेंशन छोड़, चल तुझे गरम गरम समोसे खिलाता हूँ। अरे मौसा जी यार फेस पैक तो उतार लूँ? अरे फेस पैक बाद में उतारेंगे, पहले समोसे खा। चल चाय में तो मजा आ जाएंगे। मौसा जी यार ये मेरा दोस्त है हमारा। हाँ बेटा चिलैक्स बंदा, ये ले समोसे। खुले पड़े अरे ज्यादा ऊपर चलिए। 1 2 3 शाबाश, फिर से प्लीज बजा। हेलो अंकल। हेलो बेटा। साथ में हैं आप दोनों? हाँ वो नीचे मिल गई थी, बाइक राइड करा दिया। थैंक यू सो मच अंकल। ओके बेटा कैरी ऑन। से बाय बाय टू अंकल। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। कल फिर। ठीक है कल फिर चलेंगे।
बातों में से है, वो जरूर आएगा। देर में तेरे मोहन का काम तमाम हो जाएगा और मुझे इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। पापा धीरे धीरे खाइए, पापड़ ना रहे। बैठ जा बेटे, तू भी खा ले, 9 बज गए हैं। अब खाए ना पापा, हम खा लेंगे, भैया का वेट कर रहे हैं। कहाँ गया था भैया तेरा सवेरे से? बोले कोई लोन सैंक्शन होना है। हाँ? लोन सैंक्शन होना है कोई। किसने दे दिया लोन? क्या बता रहे थे कि धनश्री की धनराशि करके कुछ है, लोकेश भैया भी साथ में है। घर भर तो नहीं रख दिया गिरवी? कुछ भी बोलते पापा, ऐसा क्यों करेंगे वो। भैया कोई सिक्योरिटी भी तो जमा करनी पड़ेगी कि नहीं? बोले तो कोई पर्सनल लोन है। पर्सनल? हाँ पर्सनल। भैया आप हाथ मुँह धो लीजिए ना, हम खाना लगा देते हैं। यही आपका रूम में ही लेकर आते हैं, हमको भूख नहीं है। चेतना, तुम आके खाना खाओ, लोग को जब खाना होगा खाएगा। भैया चोट लगा है क्या आपको? कुछ नहीं, ठीक है हम। चोट कैसे लग गया? दाल ले आना बेटा। आई पापा, एक सेकंड। भैया चोट के, तुम जाओ उनको दाल दो। तुम बैठ के यहीं खाना खाओ, उसको जब खाना होगा खाएगा। सुनिए ना पापा, भैया को इधर गाल में चोट लगा है। तो जाके करो मरम्मती। अरे पापा यार, हमको भूख नहीं है, बाद में देख लेंगे। अरे अभी थाली निकाल ली तो क्या भूख नहीं, खा लो, खा लो ना भैया। अच्छा ठीक है, हम बाद में खा लेंगे, ठीक है तुम जाओ अंदर, तुम जाओ कुछ और लाए। अरे तुम खाना खाओ ना, अंदर क्या कर रही हो? भैया सुनिए, भैया रुकिए ना एक मिनट, भैया बात तो सुनिए भैया। टेंशन मत लीजिए, नहीं खा रहे आपका खाना। हम कुछ तो उनसे बोले? आप बोलते थोड़ी हैं, आप तो बस ताना मारते हैं। क्या करते हो, क्या नहीं करते, किससे मिलते हो, क्या बेचते हो, कभी हम कुछ बोले हैं? नहीं ना, आज गाल तोड़वा के आओ, कल मालूम पड़ा बाबू साहब के नाम का वारंट निकला है। पापा क्या बोले जा रहे हैं? देखिए हम आपसे कुछ कह नहीं रहे पापा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप माथे पे चढ़ जाइएगा। हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया वाला बोलता है, दुनिया वाला। दुनिया का छोड़ के कभी बेटे का परवाह किए होते ना तो आज दुनिया नहीं बोलता। अरे हम तुम्हारे लिए क्या कमी छोड़े हैं जो तुम हमसे ये बात कर रहे हो? अरे पापा यार बस कीजिए ना, पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, कलेजा काट काट के इंजीनियर बनाया, 28 का बहन हो गया है, बगैर शादी का घूम रहा है, अपना कान आग लेके, तुमको इसका जवाब भी कुछ परवाह है? बात करते हो, परवाह का ही तो बात है ना, परवाह का ही तो बात है। आपको हमेशा बेटी का चिंता रहता है, बेटी का ब्याह, बेटी की पढ़ाई, बेटी का आना है, बेटी का दहेज में क्या करेंगे, बेटे का कभी जिक्र किए हो? हाँ, और इंजीनियरिंग हम इसलिए किए क्योंकि आप ठूसे, फोर्स किए। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपका साढ़ू कलर का ITN है, तो बेटा भी आए इंजीनियर बनना चाहिए, नाक बना रहना चाहिए ना। आप अपने लिए किए, हमारे लिए नहीं किए कुछ। अरे तुमको जरा शर्म है खुद पर? पापा क्या, चलिए उठिए बाप, हाथ धोइए। खुद को सोचते हो क्या बन गए हो? बहन का परवाह नहीं है, बाप से मुंह लड़ाते हो, बदतमीजी करते हो, शर्म नहीं आता तुमको? है? और चाहते हो कि हम साला जिंदगी भर तुम्हारा ATM बन के रहे? अरे माँ के क्रियाक्रम पे क्यों नहीं आया? अरे ये माँ वाला चैप्टर तो खोलेगा ही नहीं पापा। अच्छा, बता रहे हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बस 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 पापा, क्यों आप इसे बात उठाते, बुरा लग रहा है ना भैया को? अरे लगे तो लगने दे, निकल गया। भैया रुकिए, पापा प्लीज आप उठिए, आप बात कीजिए भैया से। भैया, अरे नहीं रहना आपको इस घर में। भैया हुआ, चले गए भैया। जाने दे, आएगा लौट के, थाली ढक के रख दे, खाएगा कहाँ जाएगा, ला ढक दे थाली।
मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज लेट हो गए? रात को जरा बीपी बढ़ गया था। क्या बात कर? अभी तबीयत कैसी? अभी तो ठीक है। कल मैंने दुल्हन स्टूडियो वाले से बात की थी, विजिट करिए टाइम मिले तो। जरूर सर। मदर लुक 800 विद एल्बम कवर, सिस्टर लुक 500 विद और विदाउट एल्बम कवर। सर मॉडल लुक 600 मेकअप फ्रॉम आवर साइड। बेटा ये मदर लुक तो ऐसी है, फैमिली लुक देखते हैं जी। एक बार पूछ लीजिए ना। देखिए मदर लुक तो बहुत कॉस्टली है, फैमिली लुक का तो रेट कम होना चाहिए। नहीं, इसमें बहुत मेहनत है। साड़ी पहनाओ, चुन्नट बिठाओ, उसमें तो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं हो सकता। ये तो मेरी बेटी खुद ही पहन लेती है, उसकी परवाह मत करिए आप। सुनिए ना, हमको लग रहा है थोड़ा सा महंगा है, हम लोग कहीं और जाके भी तो बात कर सकते। नहीं बेटा रुको, नाम करते हैं। बताइए फिर क्या? सर करवा के तो देखिए, आउटपुट जरूर मिलेगा। तो कुछ रेट तो कम करिए। चलिए मैम पोज करिए, राइट कैमरा राइट, ये बंदूक नीचे करिए। अरे देख कर रही हैं आप, ये बंदूक उठा के टेम्पल के पास। हाँ हाँ, एक प्यारी सी स्माइल। भाई साहब। हाँ जी। ये वो मेरी बेटी को राइट आई में स्क्विंट है। स्क्विंट? हाँ वो भेंगापन। तो कोई ढंग का फोटो खींच सकता है उसका? आपको दिखाता हूँ, देखिए आजकल सब कुछ पॉसिबल है। तो कैसे आए आप लोग, घर मिल गया ना? दिक्कत नहीं हुई ना? ये हमारा लड़का है अमर। बताए थे अशोक जी कि एक बड़ा भाई है लड़की का। हाँ हाँ यही है। कहाँ पोस्टेड हो बेटा? जी फिलहाल छुट्टी चल रहा है। अच्छा, आप झांसी में कहाँ पोस्टेड हो बेटा? जी सोनापुर। ओ सोनापुर। आप लोग ये पेप्सी वगैरह लीजिए लीजिए लीजिए। बाय बेटा। हाँ जी। बेटा देव ना शिवराज जी को खिला। लो लीजिए माता जी। हाँ, जी हम ठंडा नहीं पीते। अरे लीजिए, ज्यादा ठंडा नहीं है, लीजिए। नहीं रहने दीजिए। अशोक जी। जी समोसा लीजिए। ले रहे हैं। हाँ जी। तो तुम्हारी छुट्टी कब तक है बेटा? जी हम घर पर ही रहते हैं, इंजीनियरिंग छोड़ के 6 साल हो गया हमको। बेटा सर देखो चेतना क्या कर रही है, जल्दी बुलाओ। बुला के आते हैं। क्या कर रही है? अरे रुकना नीचे। हाँ चल अब जल्दी कर। हाँ हाँ एक मिनट रुक जाओ। चेतना एकदम परी लग रही है। बस तुझे ही लगती हूँ मैं परी। हाँ अच्छा ये साड़ी ठीक तो लग रहा है ना? परफेक्ट है। अच्छा एक बात बता, तू चश्मा पहनने वाली है? बेटा पापा। हाँ आ जाइए। चलो बेटा चलिए चलिए। क्या पहन ले? हाँ पहन ले। अच्छा जी चल। हॉल दी बस। अच्छा 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 बेटा चल। बेटा थोड़ा इंग्लिश में टॉक करो, हमारा बेटा इंग्लिश कंपनी में पोस्टेड है। हाँ हेलो हाउ आर यू टुडे? गुड गुड, हाउ अबाउट यू? फाइन थैंक यू। You're welcome. Your hobbies? My hobby is I am nursing. That is my work and hobby. Aur aapka? Sorry, yours?
जिमिंग, लूडो, बिग बॉस, समटाइम्स कुकिंग आल्सो। कुकिंग में तो पीएचडी किया है हमारे बेटे ने। देखिए, इससे पहले कि बात आगे बढ़े, ये बेटा, ये ललित की दादी है, ये तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। अब हमारे घर में जितनी भी शादियां हुई हैं, उन सब में ये प्रेजेंट रही हैं, तो है ना माँ जी? थोड़ा बेटा जरा चल के दिखाओ हमें। चलो बेटा, चलो बेटा, आजा, उठो। रुको, थोड़ा साड़ी ऊपर उठाओ। अरे अरे कोई नहीं, कोई नहीं, थोड़ी सी, थोड़ी सी बेटा, ज्यादा नहीं, शर्माओ मत। आओ बैठो हमारे पास, अपनी हथेली दिखाओ हमें, हमारे हाथ में दो। अरे वाह, बहुत सुंदर है, बहुत नाजुक है, बहुत सुंदर। अब चश्मा उतारो अपना। ज्यादा नहीं है, 0.25 है। हाँ हाँ, कोई नहीं, चश्मा उतारो बेटा। अब लड़के ने अगर चश्मा नहीं पहना तो लड़की क्यों चश्मा पहने? और भाई वो आजकल क्या कहते हैं, प्लास्टिक भी आ गया ना। पहने रहने दीजिए श्रीवास्तव जी। नहीं नहीं बेटा, चश्मा उतारो। उतारो बेटा चश्मा। अब वो कह रही है तो। बेटा उतारो। बैठो भी नहीं बैठो, सॉरी बेटा। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, इसमें आपका कोई गलती थोड़ी ना है। मैं आज तक अपनी बेटी के लिए एक ढंग का लड़का नहीं ढूंढ पाया। तो क्या हुआ, आपका थोड़ी ना भूल है, हम, हमारा आँख ही तो, आँख ही ऐसा है, तो हम क्या करें। अरे हमारा भूल जैसे बच्ची का, छह छह लड़का रिजेक्ट किया, हमने तुम्हारा मॉरल बिल्कुल धज्जी उड़ा दिया बेटा। रो कह रहे हैं पापा। पापा हम भी रो देंगे, ऐसे मत रोइए आप। Thank you.
लीवर के बाद इसे कहते हैं रेगुलेटर, जिसे हम ड्रिपिंग को कंट्रोल करते हैं। जब आप रेगुलेटर को पूरी तरह नीचे लाएंगे, इसका मतलब ड्रिपिंग पूरी तरह बंद होगी। अफेयर? हाँ, कंडेम ही कर ले। कुछ भी बोल। कुल्फी। थैंक यू। ओह थैंक यू। थैंक यू। तीन साल पहले तो 1 लाख था। बात तो सही है जामन बाबू, पर करना तो होगा ना। आप अपनी फीस बढ़ाइए, 100 रुपए का जमाना गया। अरे फीस बढ़ा दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा दामोदर बाबू। हाय हाय लोकेश, आई होप तुम दोनों माइंड सेट करके आए हो। देख, एक बार पैसे का लेन देन हुआ ना, वी आर डन। यू डोंट नो मी एंड आई डोंट नो यू। लेकिन कुछ एडवांस तो मिलेगा ना हमको? अरे देगा ना, 10,000, सो दैट यू गाइस डोंट बैक आउट। अरे सर, ये तो बहुत कम है। अरे ऑपरेशन तो होने देना। हाँ ठीक। नहीं बाबा, रेस्ट ऑफ द मनी यू डोंट नीड टू वरी। एक ही स्ट्रेस में खत्म कर दूंगा मैं। आई एम गोना गिव यू इन वन स्ट्रेस। चलो आ जाओ। हे कविता, देख ये प्रोसीड्यूर 5 डेज का होगा। डोनर रिसिपिएंट्स का हर एक एक चीज मैच करवाया जाएगा। ये खून का है जांच रहे हो? As I said, डोनर रिसिपिएंट्स की हर एक एक चीज मिलाई जाएगी। सो तुम दोनों के ब्लड सैंपल जो है ना, वो रिसिपिएंट के ब्लड सैंपल से मैच करवाया जाएगा। और ये इसमें फैमिली की डिटेल्स है। कैसी डिटेल? कितनी, या तो कोई रिश्तेदार दे सकता है या कोई क्लोज फ्रेंड्स। अरे इतना क्या करना है यार, काटो और निकालो पैसा, तो फिर हम चलते। बोस, ये कितनी है? अपेंडिक्स नहीं। कविता, हो गया इसका? हाँ? चलो आस्तीन ऊपर करो, करो कुछ नहीं होगा। अरे बाबा कुछ नहीं है, चिल। हाँ आराम से। हाँ आराम से।
देखिए इनकी आंखों की मसल्स इम्बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से इनकी आंखें देखिए प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं आ पा रही। इसे हम एसोट्रोपिया कहते हैं। हाँ हाँ, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, सर्जरी से ये ठीक तो हो सकता है। लगभग खर्चा कितना हो जाएगा इसमें? लगभग देखिए 2.5 लाख का तो खर्चा आ ही जाएगा इसमें, क्योंकि आँखों की बात है, सर्जरी है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। इसमें हमें पूरी आँख खोलनी पड़ती है। सिंपल टर्म से समझाऊं तो कांच के बॉटल में नाव बनाने जितनी कारीगरी है इसमें। मैडम ये आँख खोल के ऑपरेशन करना ज़रूरी है? मतलब मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था वो आई ड्रॉप भी देते हैं। नहीं नहीं, ये आई ड्रॉप से ठीक होने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाती हूँ। एक आँख बंद कीजिए, अभी यहाँ देखिए, यहाँ, फिर वापस से। क्या पापा, क्या हुआ? तो ये कम से कम 10 बार कीजिएगा, ठीक है? सेम विद द अदर आई, ठीक है? यहाँ, फिर वापस यहाँ, और कुछ कुछ एक्सरसाइजेस मैंने आपको। पापा क्या हो रहा है? पापा सर आप ठीक है? सर आर यू ओके? पापा क्या हो गया? लेट मी कॉल द नर्स। नर्स, डॉक्टर लामा, सर टेस्ट हो गया है ना? हो गया। पेमेंट में डिले नहीं होना चाहिए। एडवांस मिला है ना? बहुत मजा आ रहा है, खुश है अब आप? इतना बड़ा बात, भैया तुमको बोलने में डर लग रहा है। किस चीज का वेट कर रहे थे आप पापा? तुम्हारी शादी का बेटा। हो गया शादी? नहीं हुआ ना, जब शादी होना होगा हो जाएगा, जो लड़का मिलना होगा मिल जाएगा। आप क्यों बेकार का हेडेक ले रहे हैं पापा? बेटा हमारे जीते भर में तुम्हारा शादी हो जाता तो अच्छा होता, और बेटे का तो कोई ठिकाना नहीं है, और सारा रिस्पांसिबिलिटी हमारा है बेटा। सारी रिस्पांसिबिलिटी आपकी, हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। मतलब हम क्या शादी करके ऐसे चले जाएं और आपका क्या होगा? आपको ओल्ड एज होम में हम छोड़ के आ जाए? हाँ, आने वाला टाइम में आपका हेल्थ इतना खराब होने वाला है, किसी को 24 घंटे आपके साथ रहना होगा, पता है आपको? तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी ना लिखा है कि बेटी का ये ब्याह कराना जरूरी है, कहाँ लिखा है बताइए? बेटा इंडिया में सोसाइटी का यही संविधान है, क्या करिएगा? अच्छा सोसाइटी का यही संविधान है, तो एक काम करते हैं, ये सोसाइटी वाला लोग को ही बोलते मेरा आंख ऑपरेशन का पैसा वही लोग दे। चलिए चलिए, बाप बेटी मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं। शुरुआत करते हैं रोशनी की मम्मी से। उठिए, बैठे क्यों है, चलिए ना। ठीक है, कटोरा ले आइए, वो बड़ा वाला पीतल का कटोरा है ना, लाइए। हम सीरियस बात कर रहे हैं, आप हंसाइए मत हमको। हम भी तो सीरियसली बात कर रहे हैं, हम कब हंसा रहे हैं? आप हंस रहे हैं तो हमारी क्या गलती है? ठीक है, दोनों बाप बेटे चंदा मांगते हैं, इकट्ठा करते हैं, हैं, और उसी चंदे से टेप रिकॉर्डर भी ठीक करवा लेते हैं। बात करती हो, आपसे बात करना ही बेकार है, हम बात ही नहीं करेंगे। हमको भी तुम्हारा बात सुनना ही बेकार है। हाँ तो मत बात कीजिए ना। तो मत सुनाया करिए ना, आपसे बात नहीं करेंगे। बात करिए बस, ठीक है? हम जो बात करते हैं आपसे। बाबा मैं ना यार एक और जुगाड़ निकाल रहा हूँ, एक ना अफजल भाई करके हैं, मडमन उनका मस्त बंगलो है, दुबई में लेदर की फैक्ट्री है, अपने ना काम का बंदा है बाबा। बाबा बातें छुदवा लो तुमसे, दुबई तो तब जाएंगे ना जब पैसा होगा। अरे बाबा पैसा आएगा ना, क्यों नहीं आएगा यार, टेंशन मत लो तुम, रिलैक्स एंड चिलैक्स। एक तो साला ये नेपाली हर बार एक एक सिरिंज खून निकाल लेता है, कभी ई टेस्ट कभी वो टेस्ट, साला कर क्या रहा है, साला पैसे कब देगा यार? अरे बाबा हो जाएगा वर्कआउट यार, लंड वर्कआउट होगा बाबा। हाथ में ना पैसा है ना फैमिली। बाबा ठीक है ना यार, हर चीज का ना टाइम होता है। यार बाबा बाप मेरा तरस गया होगा, कब उसका बेटा सेटल होगा,
कब काम करेगा, कब उसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी बाबा। वो गुस्सा करता रहता है मुझ पे इसी चीज पे, यही तो प्यार है उसका बाबा। अब बाबा यार तुम ना बीर पे के संटी मत हो जाओ, अब यही ना तुम्हारा पंगा है यार। ना अच्छे बेटे बन पाए, ना अच्छे भाई बन पाए बाबा। बाबा एक बात बोलूं, पहले दोनों भाई खुद सेटल होते हैं यार, हैं? कैसे? उठा उठा। हाँ लामा सर। सेट है बाबा, करना है। कविता थोड़ा फास्ट करना। ए निकाल इसको, इसको खोल। बाबा यार तुम कराओ, मैं नहीं करा सकता। Have you gone mad? What nonsense is this? बाबा क्या कह रहे हो, पगला गए हो क्या? बाबा मेरी फट रही यार, मैं नहीं करा सकता। कविता कर। ए तेरे को बोला ना, निकल यहाँ से। You can't do this, lie down। यार तुम अपना डायलॉग पकड़ो, अपना डायलॉग मैं जुगाड़ लूंगा, माँ कसम कह रहा हूँ। We don't have enough time, हाँ? हद हो गई यार बाबा, हद हो गई। हाँ भग लोगे बीच में। Hey, if you don't wanna अरे do चुप, भोसड़ी के बात कर रहा हूँ ना, चुप। यार मेरी फट रही है बाबा, मैं नहीं करा सकता, लेकिन दुबई साथ में जाएंगे, मैं जुगाड़ूंगा पैसे। अब तुम्हारी बात काटी है मैंने, कभी नहीं काटी ना। यार फट रही है यार बाबा, मैं क्या करूँ यार। जा लेके जा इसको। अब हो गया, निकल जा। अमर Let's go. अरे यार क्या हो गया? फोन पे फोन किया जा रहा है, इतनी जल्दी दोनों का हो गया क्या? अरे नहीं कर पाए मौसा जी यार। और अमर कहाँ है? हाँ अमर का चालू है। पर तू बाहर आ गया उसे छोड़ के। हाँ मौसा जी मेरी बात सुनो, अब आपको कहीं ना कहीं से ना 2.5 लाख रुपए जोड़ने, मैं बाबा को जबान दे के आऊँ यार। 2.5 लाख? हाँ। पगला गए हो क्या? हम कहाँ से जुगा लेंगे 2.5 लाख? अच्छा मौसा जी, हमारे पीछे मत पड़वा। हाँ अमर को कुछ होगा तो नहीं ना? अमर को क्या होगा, नहीं होगा, हमें पता नहीं, तुम बाहर से निकलो फटाफट। मौसा जी मैं करता हूँ आपको। संदीप चल, संदीप ये लग गया।
ओ डॉक्टर साहेब, डॉक्टर पवार कुठे? बोला डॉक्टर पवार कुठे? डॉक्टर पवार इकडे नाही. तुम्ही कोण? डॉक्टर राज. पैसा मिलने वाला नहीं है. अरे मां चुदा के पैसा भोसड़े के पुलिस आ गई, सब पकड़ जाएंगे. फक डॉक्टर कोई नहीं. गेट आउट. कौन सा किया बाबा? ताम जाम खोलो उसका. ताम जाम बेटा जल्दी कर. हाँ आराम से. ए ओरे संदीप बोलता है. आराम से कर रहा हूँ ना. सर ये जामन प्रसाद के नाम का ऑर्डर आया था और यहाँ पे साइन कर दीजिए. ओके थैंक यू. किसने भेजा? अमर जामन प्रसाद. थैंक यू.
भैया आपका हो गया आयरन, शर्ट रेडी है। You can do it, yes. Stay. ज्यादातर सिम्टम्स पार्किंसंस के हैं, बट इट्स एन अर्ली स्टेज, सो ज्यादा डरने वाली बात है नहीं, बट यस टाइम के साथ ये बढ़ेगा। डाउन, आई मीन हो सकता है आराम करते वक्त 4-6 हर्ट्ज का ट्रिमर भी आ जाए, तो कोशिश कीजिए इन्हें किसी तरीके का कोई स्ट्रेस ना हो, खुश रखने की कोशिश कीजिए। और रिजिडिटी, स्टिफनेस, ये भी सिम्टम्स हैं लेकिन वो सेकेंड स्टेज में आएंगे, जिसके रहते उनको चलने में दिक्कत हो सकती है, चलते वक्त डाइवर्ट कर सकते हैं, उठते बैठते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और इनके आसपास हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए, हो सकता है कभी कभी आपकी बात समझने में दिक्कत हो रही हो उन्हें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पापा जो वो क्लिनिक चलाते हैं वो भी नहीं चला पाएंगे? मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ दिन वहाँ ना जाएं अब। बाकी मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ जो आप इन्हें डेली दीजिएगा। ये फिस्ट बना के टैप करना है जब तक इधर वेंस ना दिखे, वेंस ना दिखे, okay. उस पे सिरिंज लगाना है। दिस्ते का वेन तुला हो? ओके, एग्जाम दे रहे थे। रोशनी की मम्मी हमको फोन करके बुलाई, बोली तुरंत आ जाओ। भाग के हम किस तरह से आए तो देखे नीचे 105 के पास खड़े थे, पूरा देखे पानी पानी है फ्लोर पर, पौना घंटा लगा इनको ऊपर लेकर आने में। अब दामोदर अंकल आप ही बताइए, ऐसा चलेगा तो हम क्या करेंगे? वहाँ सीढ़ी पर अगर ये थककर गिर जाते या पाँव फिसल जाता पानी के ऊपर, उनको चोट उट लग जाता तो इस उम्र में दर्द जाता? ऊपर से पहले ही पार्किंसंस लेकर बैठे, समझाइए जरा। ऐसा मत करिए जामन बाबू, अब बेटी को ही घर संभालना है ना, बोलिए नीचे जाने का क्या जरूरत है? फिर किसी चीज का कमी दे रही है आपको, बोलिए। हेल्प, हेल्प करना है, हेल्प करना है, हेल्प। किस चीज का हेल्प पापा, क्या हेल्प? आप हमको पाल पोस कर बड़ा कर दिए हैं, इतना काबिल बना दिए हैं कि हम घर चला सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं हम आपको। दम घुटता है, जामुन जी ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कौन सा गाना गाया मैंने? जिंदगी एक सफर। नहीं नहीं दोबारा सोचिए, जिंदगी, जिंदगी क्या? जिंदगी का सफर। नहीं नहीं कैसा? नहीं नहीं जामुन जी, जिंदगी क्या? जिंदगी का कैसी 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 है पहेली है, पहेली हाय।
ये आपकी बीवी है? नहीं नहीं जा, मुझे वाइफ नहीं है, हम बस साथ में काम करते हैं। चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे हम। नहीं नहीं ये नहीं, ये बाद में करेंगे, अभी दूसरी एक्सरसाइजेस करेंगे। मेरी फिंगर को टच कीजिए अपनी फिंगर से, कोशिश कीजिए, टच कीजिए। कीजिए कीजिए कोशिश कीजिए। हाँ हाँ हो गया हो गया। हाँ वेरी गुड। अभी सेकंड स्टेज में ट्रिमर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, एज यू कैन सी रिफ्लेक्सेस थोड़े से वीक हुए हैं। ज्योति तुम चलो, मैं आता हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, पर वो होगा, मैंने डोपामिन का डोज बढ़ाया है। तो मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर केवल, आप आ गए, वो एक ही कॉल में। इट्स ओके, इट्स ओके, वो बहुत एक्चुअली नो प्रॉब्लम। यस, वैसे आपके चश्मे का नंबर क्या है? -2। ओके, आप चाय पीती हैं? हाँ क्यों? नहीं आपने पूछा नहीं तो नहीं, आप प्लीज आइए। नहीं नहीं ओनली 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। अरे नहीं सो ओके, आई वाज जस्ट किडिंग, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम, मेबी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। वाओ सही है, कांग्रेट्स। थैंक यू। 22 कैरेट का है। 22 कैरेट। अच्छा वैसे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्लाई करेगी? हाँ तू पहले शादी तो निपटा लूँ। अमित की भी जॉब लगी है एंड वी प्लानिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स। डबल कांग्रेट्स। थैंक यू। मैं शॉपिंग भी चलना साथ में। पक्का पक्का मैं आऊँगी। पापा पापा आप यहाँ हैं? आप तो ऑलरेडी एकदम तैयार हैं। ये सस्पेंडर भैया का है, यहाँ से निकाले। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, आज हम बन गए नर्स, हमको मिल गया अब सर्टिफिकेट। अरे बाप, अस्पताल जाने के लिए इतना रेडी हम पहली बार किसी को देखे हैं। ये भी चले बस पापा एक एक करके ले लीजिए, पापा एक एक करके, पापा पापा हाँ हम लोग चल रहे, पापा हम लोग जाएंगे। हाँ।
जाएगी। चलेंगे बेटा। पापा ऐसे नहीं कीजिए पापा, आराम से। पापा अरे है की चाय काफी अच्छी है, लेमन पुदीना चाय। हाँ ट्राई कर सकते हैं। लेते हैं। अंकल कैसे हैं? ठीक ही है। वैसे आप एप्रॉन के बिना मतलब डिफरेंट लगते हैं, थोड़ा अलग। होपफुली अच्छा लगता हूँ। आपके कोई सिब्लिंग्स हैं? थे, मेरे एक बड़े भैया थे अमर, उनका एक्सीडेंट हो गया, ही पास्ट अवे। सॉरी टू नो दैट। काफी समय हो गया। थैंक यू। भैया को गुजरे एक साल हो गया। वैसे यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ अंकल, पार्किंसंस इज ऑलमोस्ट इनक्योरेबल। आई नो। आपकी फैमिली मुंबई में ही रहती है? माँ साथ में रहती है, डैडी दुबई में सेटल्ड हैं। ओह वाओ। एक्चुअली उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, अब तो काफी समय हो गया इस बात को। तो मतलब अंकल आंटी सेपरेटेड सेपरेट हैं। डोंट माइंड, मैंने ऐसे ही। अरे नो नो, इट्स ओके, फाइन। सो लड़के वाले भी देखने आते होंगे? तीन चार साल से वही तो कॉमन है। बस देखने ही आते हैं, आगे तो बात ही नहीं। क्यों? इसकी वजह से एक बात बोलूं, अगर आप ये चश्मा पहनना छोड़ देना तो आपके शादी होने के चांसेस ज्यादा हैं। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। Thank you.
यहीं पर ही सारा सब कुछ है। ये सिंक के नीचे कचरे का डब्बा है, सुबह 9 बजे वो लोग आता है तो देना पड़ेगा। और सब मिलता है, सब इधर ही रहेगा। उधर ऊपर चावल दाल सब रखा है। 5 दिन का काम है, हमको बॉम्बे से बाहर जाना है तभी किसी को रख रहे हैं। एक बुजुर्ग अंकल है मेरे फादर, उन्हीं का देखभाल करना है, खाना पीना कपड़ा उपड़ा धोना वो सब। सोने उने का सब इधर ही, इधर लगा सकते हो, नहीं तो बाहर जो वो बैठे हैं उधर सो सकते हो। बाथरूम इधर है, यूज कर सकते। अब इतने बुजुर्ग आदमी है, मतलब चलते फिरते तो है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा दिशा पेशाब खुद से जाते हैं कि टांग उनके ले जाते? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भैया। हाँ बस वही इन्हीं का काम है, वही एक टाइम का नाश्ता, दो टाइम का खाना बनाने का है, बस इतना ही है, बस नॉर्मली है सब। नहीं नहीं, 500 ही ठीक है। अच्छा तुमसे तो ठीक है, वाईफाई है? हाँ वाईफाई है। दो फोन दो, मैं पासवर्ड डाल देती हूँ। पाँच दिन का तो ट्रायल है पापा, पुणे ही तो जा रहे हैं कल सुबह। प्राइवेट अस्पताल है, अच्छा खासा ये लोग सैलरी भी देगा, और इनका ब्रांच तो है बॉम्बे में। काम तो यहीं पर ही करना है ना, कौन सा हमेशा के लिए पुणे चले जा रहे हैं। बताइए क्या करे, नहीं जाए। मैं चलूं। आप भी चलेंगे? कैसे चलेंगे पापा, आपको बहुत मिस करेंगे। दीनू है ना, क्यों टेंशन ले रहे। फोन करेंगे ना, करेंगे। ये यहाँ तक पड़े हैं। चांद क्यों अब्र की उस मैली सी गठरी में छुपा था, उसके छुपते ही उतर आए थे। शाखों से लटकते हुए आसेब थे जितने, और जंगल से गुजरते हुए राहगीरों ने गर्दन में उतरते हुए दांतों से सुना था। हम आते हैं पापा, बाय। पार जाना है तो पीने को लहू देना पड़ेगा। बाय पापा, बाय। चांद क्यों अब्र की उस मैली सी गठरी में छुपा था। चलो हो गया। 3321 भैया। खून से लिथड़ी हुई रात के राहगीरों ने दहानों पे गिरकर रोशनी रोशनी चिल्लाया था। हेलो अंकल, स्कूटी राइड कब दिलवाओगे? निकल जाए। अरे तो हम निकल जाएंगे तो झाड़ू पोछा कौन करेगा? ना ना, हम आपके कहने से नहीं निकलेंगे। चेतना दीदी हमको रखी है इन नौकरी पर। जाइए अपना काम कीजिए, हर दिन टटर टटर नहीं चलेगा। फिल्मी गाना से प्रॉब्लम है इन लोगों को। हाँ जाइए, भजन कीर्तन सुनिए उधर। आलोक, उम्र 37 साल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, क्लास 3 ऑफिसर। ये देखिए मुरली, इसको स्क्विंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, राइटर है। छोड़िए, तीसरा देखने का कोई फायदा नहीं है। अरे कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के बिटिया को सेटल करना होगा।
ठीक है, चलिए अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इस क्लिप को उठा के ऐसे लगाएं। चलिए हाँ, यहाँ लगाना है। चलिए चलिए कोशिश कीजिए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड जामुन जी। चलिए और लगाते हैं, एक और लगाते हैं। वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। रे बाप रे, ये क्या कर दिए अंकल? रे अंकल, अरे रे रे रे, बस बस, अरे अंदर घुस के नहाइए ना, अरे अंदर घुस के नहाइए ना, पूरा हमको जो है पूरा गंदा कर दिए सब, हमको भी भिंगाइएगा। घुसिए चौखट में, जाइए नहाइए, हिया ना मानिएगा, लगाए भी चकना दीदी को फोन, एक फोन में ठीक हो जाइएगा, नहाइए यहाँ पर नहाइए। माथा भुका दिया ऐसा बुढ़ा आदमी होता है। घुसिए अंदर, ए चाचा समझाना रहे, बैठिए यहाँ, नहाइए यहाँ पर, क्या तकलीफ है आपको, नहाइए यहाँ पर। सटिया गया बुढ़वा, एकदम सटिया गया, हर बात में कुछ ना कुछ, हर बात में ये। हाँ चेतना। केवल कैसे पापा? घर की लाइट ऑफ, थोड़ा डर गए। अभी ठीक है, मैंने डोपामाइन दिया है। थैंक यू सो मच केवल। यार ऐसा चलता रहेगा तो मैं कैसे काम करूंगी? अरे चेतना, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। दिनू घर छोड़ के चला गया, लाइट्स ऑफ थी, थोड़ा डर गए थे बस। पार्किंसंस के पेशेंट हैं यार, ये सब तो होना ही है। अच्छा, यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। पापा ठीक है ना? मैंने बोला ना रिलैक्स। Thank you.
सत्य है, राम राम 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 सत्य है। Thank you.
कुछ खट्टा कुछ मीठा भी पत्तों की पुटली में अपना बसेरा करे। रिश्तों की टहरी से अपनों की गुटली को जोड़े बांध कर ये रखे। ऐसे हैं ये जामुन बोले बिन कहे हमारे जामुन हंस कर सहे। ऐसे हैं ये जामुन चलते रहे हमारे जामुन। माटी माँ में जड़े तेरी जमीन से जुड़ा तू आज आए कोई अगर ढाल बन खड़ा तू आशिया है तू सबका तू ही हौसला नन्ही सी चिड़िया का तू घोंसला। तेरी शाख ताना तेरे साया घना झूले बांध झूले बीते बचपना। खा पत्थरे फल देते हैं ऐसा ही मिजाज ये रखे। ऐसे हैं ये जामुन